ये पंजी बाबा शिवाजी नगर के 3-5 बूथ है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यंग कमेटी और जमात वाले काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से 50% वोटिंग हुई अभी, और भी काम चालू है। और हमारे जो यंग जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से 7 बजे इस काम में लगे हैं, और जितने भी हमारे मस्तूरात हैं, औरतें हैं, हिंदू और मुस्लिम की औरतें जितने भी हैं, वो सुबह जल्दी वोटिंग कर चले गए, क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके लिए हम सब पहले औरतों को अपने घर वालों को निकाल कर पहला वोटिंग कराएं, तो अल्लाह के फजल से दुआ करो इंशाल्लाह 100% वोटिंग करने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे दुआ भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, अभी तक जो वोटिंग नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे तक उसका टाइम है, वो जल्द से जल्द वोटिंग करने की फिक्र करें। तो यह हमारा हक है वोट, तो इसके लिए हर एक लाए घर की फिक्र करें और मोहल्ले वाले बच्चों की फिक्र करें, घर वाले औरतों की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की फिक्र करें, और मोहल्ले वाले अपने जमातों की और यंग कमेटी की हम सबसे तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पंजीवा जमात और यंग कमेटी मिलकर पूरे वोटिंग करा रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वोटिंग हुई है, 50% तक वोटिंग कराए से है। आप देख सकते हैं इधर रश है, जहाँ हमारा 83 बूथ नंबर हमारा है पंजीवा का, और खासकर वहाँ पर रश अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वोटिंग हो रही है। और 82 में हमारा एक है, दो है, उधर भी अच्छी वोटिंग हो रही है। तो जितने भी वोटर्स आके डाल गए हैं और जितने पेंडिंग है सो भी हमारे यंग कमेटी के लड़के लोग जाके डोर टू डोर सबको बुला के लेकर आ रहे हैं और वोटिंग करा रहे हैं। मैं रेशमा भैरकदार, वार्ड नंबर 13 की कारपोरेटर। यहाँ पे वोटिंग अच्छी चली है, अच्छे मितवाद में चली है। मेरे ख्याल से 30% तक हुई है, अभी देखना, अभी इसके बाद में रफ्तार लग जाएगी। और वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, लेडीज भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी इस बार सेंट्रल में, हमें यकीन है। जो गारंटी सिद्धरामैया ने ऑफर दिया है, क्या 1 लाख की गारंटी, और जो किसानों का कर्जा माफ़, और युवा के लिए रोज़गार, इसके यो गारंटीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लेडीज़ फॉरवर्ड होकर अपने आप घर पे घर से निकल कर यानी वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अच्छा वोटिंग हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। वकीला भी काम कर रहे हैं, हमारे नबी खान सर काम कर रहे हैं, और जमात हिंद जो है डोर टू डोर है कैनवसिंग भी किए, उन्होंने वोटिंग के वास्ते स्लिप भी बांटे, और 100% वोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस बार हमें एक अजीब सा माहौल नज़र आ रहा है, लोगों को उठाने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ब खुद आके वोटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे कॉर्पोरेटर साहबा शुरू से बहुत मेहनत में हैं, जब से वो जीत के आए हैं तब से हमारे इलाके में बेहतर काम कर रहे हैं। इस बार इलेक्शन में तमाम ज़िले लेवल पर, सिटी लेवल पर उलमा इकराम ने जो काम हमें दिया है, इलाके के कारपोरेटर्स को पकड़कर, लीडर्स को, यंग कमेटी को पकड़कर, मस्जिद के कमेटी को पकड़कर, उससे इतना ज़बरदस्त काम अंजाम दिया गया मोहल्ले मोहल्ले मस्जिदों में। एक 15 रोज़ों से हर को घर घर जाकर रिसिप्ट देकर, उनको अवेयरनेस दिलाकर, उनका सीरियल नंबर, वार्ड नंबर बताकर, उनको बहुत तक लाकर ये वोटिंग करा रहे हैं सारे के सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ एक अखंड भारत की तरह, यानी कि पहले के भारत की तरह, सुख शांति के भारत की तरह जिए। इस वक्त को संविधान को बचाने का ये मौका चला है, इसलिए देश को बचाने का चला है। इस बार जो इलेक्शन है वो है देश बचाओ इलेक्शन, और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन है, पार्टी को लाने का इलेक्शन नहीं है, तो देश को बचाने का इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबा जान मतवाले वीरभद्र नगर कारपोरेटर। यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिस, स्कूल नंबर 27 मराठी स्कूल और न्यू वीरभद्र नगर, यहाँ पर यंग कमेटी जमात विद दो कारपोरेटर हैं यहाँ, एक रेशमा भैरकदार, मैं, सब जने मिलके यंग कमेटी जमात सब जने वोटिंग पावरफुल करा रहे हैं। डोर टू डोर घर के अंदर काम चला है यंग कमेटी का, और
जो वोट भाया उसका चक्कर रही, जो नहीं भाया उसे नहीं रिपीट फेरा कर को यंग कमेटी के फोरम पूरे लेकर आ रही 99% वोटिंग करा दे। अस्सलाम वालेकुम। बातें तो सब जो हमारे बाबा जान मत वाले कारपोरेटर है वार्ड नंबर 12, इनकी भी बहुत मेहनत है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पूरे लड़कों को लेके पूरे आवाम को देख रहे हैं कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश चली है इंशाल्लाह। इसके आगे भी अभी कोशिश और जारी है हमारी, अभी तो वक्त बहुत बाकी है, फिर इसके बाद में देखना है कितने परसेंटेज होगी। हम कारपोरेटर और जमात यंग कमेटी को लेके सब कुछ जुड़ को लेके काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जिसके वोट हुए हैं जिसके नहीं हुए हैं उनको लेके रिक्शे में लेके वोटिंग कर को उनको घर तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, कम से कम 5 इलेक्शन हुए, 5 इलेक्शन से ये इलेक्शन जो है बहुत बेहतरीन इलेक्शन हुआ है, क्योंकि जब भी रश होती थी वो दोपहर के बाद में रश होती थी, ये इलेक्शन जो है सुबह 6:30 से लेडीज़ हमारी जो है कतार में खड़ी थी और बूढ़े जो उम्र वाले लोग जो कतार में खड़े थे, और कम से कम अभी तक 30% वोटिंग हो गई, इंशाल्लाह 3 बजे तक पूरी वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, 3 से 4 बजे तक पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वोटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, क्या अभी तक तो 25% हुई है, अभी आने वाले 4-5 बजे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी खत्म होगी, 30% हुई है अभी, और है पब्लिक है आ रहे तो अच्छी 90% क्रॉस होगी, डोर टू डोर चला है अभी, क्या अभी 4 बजे से वोट काम होने वाला। अरे ऑटो तो सब जगह घूम रहे आ रही है पब्लिक, और उतनी होटिंग भी हो रही है, उतनी कतार भी बढ़ रही है। कौन सा लास्ट वाला बंद हो गया क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है डोर टू डोर वोटिंग के अच्छी चली है, और जो वोटिंग नहीं किए उनके सुबह नमाज के बाद में जो है हमारे महीना चालू है, अभी तक 50% क्रॉस हो चुकी है वोटिंग है, 12 बजे तक जो है 50% क्रॉस हुई थी, इंशाल्लाह और हम जो है 100% करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। नहीं नहीं उसे लाने जा रहा बोल गया तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अशोक नगर कारपोरेटर रियाजाबाद के लेगा। इधर अब तक 4 बूथ है, 4 बूथ में 40% वोटिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद में क्या क्या होते हैं होंगे, अब 80% वोटिंग होंगे और वोट परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, इसके बारे में उम्मीद रखता हूँ, और इधर तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और सब नॉर्मल है वोटिंग, और वोटर्स अपने आप घर से आकर वोटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम,
आज जो है अशोकनगर के अंदर मस्जिद अक्सा के जमात और यंग कमेटी और हमारे कारपोरेटर रियाज अहमद किलेदार सबकी मेहनत जो है हर घर तक पहुंचना हुआ, हमारा घर के हर अफराद को बाहर लेकर आकर वोटिंग बूथ तक लेकर आकर वोट कराने की जिम्मेदारी हमारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी बखूब निभा रहे हैं। हमें अब तक जो है 40% अबव वोटिंग हुई है। इंशाल्लाह शाम तक जो है पूरी 80-90% वोटिंग करने की उम्मीद है। यहाँ पे चन्नम्मा श्रीनगर चन्नम्मा सोसाइटी पे यहाँ पे कंडरा और स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल है। यहाँ पे वोटिंग सुबह से अच्छी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो भी वोटिंग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे जाति भेद कुछ भी नहीं है, जात भेद छोड़ के सभी को अपना वोट करना ज़रूरी है क्योंकि ये दिन अपना खुशी का है। जैसा हमारा बर्थडे आता है साल में हम खुशी मनाते हैं, उसी तरह 5 साल में एक बार जो हमारा लोकसभा इलेक्शन आया है आज एमपी इलेक्शन जो वोट करना ज़रूरी है कि कहीं भी जाति भेद जो 10 सालों में हो रही है उस जाति भेद को छोड़ के वोट करना। क्योंकि अभी 10 सालों में क्या हो रहा है और क्या नहीं आप सभी लोग देख रहे हैं। हमारे दिलों में ऐसी नफरत नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बने और दुश्मनी नहीं चाहिए, इसीलिए वोट करना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में हम सभी को अच्छा अपना देश बनाना है और अच्छा देश में रहना है और हम सबको यही बताना चाहते हैं कि अपने दिलों से नफरत निकालिए और प्यार जताइए। धन्यवाद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 7 मई है, हमारा लोकसभा इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज के बाद से उर्दू स्कूल है, संगमेश्वर नगर के बूथ्स है और फिर यहाँ पे शाहू नगर के जो 6 बूथ है कन्नड़ स्कूल मराठी स्कूल सुबह से ही माशाल्लाह भीड़ लगी है और नौजवान है अपने घर घर जाके बुला रहे हैं वोटर्स को, ऑटो रिक्शा लगाएं। करीब करीब 50% वोटिंग अब तक हुई है और फिर यहाँ से अभी दोबारा घर घर जाने का, आजमनगर फर्स्ट क्रॉस से लेकर शाहनगर लास्ट क्रॉस तक पूरा नौजवान जा रहे हैं। एक उम्मीद है कि इस मरतबा हक की एक हुकूमत हो जाएगी और जालिम को शिकस्त मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम। मैं इमरान फतेह खान, आजमनगर। यहाँ पे जो उर्दू स्कूल है 11 नंबर गवर्नमेंट स्कूल और 7th डे स्कूल, यहाँ पे टोटल 8 बूथ है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो हुआ है 63% हुआ है। तो अभी भी चालू है जो कि हमारे नौजवान बच्चे जमात के सदर, जमात के मेंबर और बाकी जो भी जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं वो सब मिलके पूरा आजमनगर में अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग हो गई है। क्योंकि पिछली बार जब एमपी इलेक्शन होता थे पता भी नहीं चलता था कि एमपी इलेक्शन हुआ और गया बोल के, और परसेंटेज होता था 43-35 ऐसा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे माँ बहन या बुजुर्ग जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग करके लिया है। और ये नौजवान बच्चे ऐसा इतना जो ये एमपी पीरियड में काम किए अभी तक ऐसा काम हुआ नहीं था, ये परसेंटेज एमपी इलेक्शन में इतना आया नहीं था जो कि अब आया है।